जोधपुर, मुंबई और महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार के विरोध में दलित संगठनों के आह्वान पर जोधपुर बंद के दौरान जालोरी गेट सर्किल पर प्रदर्शन किया गया। दलित संगठनों ने रास्ता रोककर विरोध भी जताया। इस दौरान फूल मालाएं बेच रहे दुकानदारों की मालाएं फेंक दी गई। दरअसल मुंबई और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में दलितों पर अत्याचार के विरोध में दलित संगठनों ने जोधपुर बंद का आह्वान किया है। हालांकि बंद के बारे में अधिकृत सूचना नहीं दी गई, फिर भी पुलिस ने बंद के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारी कर रखी थी। दलित संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुबह जालोरी गेट सर्किल पर एकत्रित हुए, पहले सर्किल पर रास्ता रोककर प्रदर्शन किया और टायर फूके, फिर युवकों की गोलियां चौराहे के आसपास पैदल घूमने वालों को लगी और जबरन दुकानें बंद करवाई। डर के चलते कई लोगों ने दुकानों के ताले भी नहीं खोले। देश के अंदर मनुवाद का नंगा तंडव हो रहा है और भीमा कोरे गाँव के अंदर भगवाई आतंकवादियों ने जिस प्रकार से शांतिपूर्ण जो समारोह है उसको विघन डाला, वहाँ पर तांडव मचाया, इसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। आज जोधपुर में भी हजारों की तादाद के अंदर यहाँ विभिन्न दलित संगठनों लोग इकट्ठे हुए हैं और आज यहाँ पर सरकार के खिलाफ में जो मनवादी सरकार है, संबंधित सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है, इस सरकार के खिलाफ में गुस्सा जाहिर किया है और जोधपुर